आप और दिल्ली एलजी के बीच एक बार फिर से तकरार देखने को मिली है। इस बार मामला 15 अगस्त को झंडा फहराने को लेकर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले के मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। इसी बीच सीएम केजरीवाल ने एलजी को पत्र लिखकर कहा था कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मंत्री आतिशी झंडा फहराए, लेकिन एलजी ने कहा कि उनका लेटर एलजी तक नहीं पहुंचा। इसके बाद मंत्री गोपाल राय ने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को पत्र लिखकर केजरीवाल की मंशा सामने रखी। गोपाल राय ने पत्र में कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि उनकी जगह मंत्री आतिशी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहराए, जिस पर डिपार्टमेंट ने जवाब देते हुए कहा कि कानून के अनुसार इस तरह की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। साथ ही यह भी कहा गया कि सीएम केजरीवाल का जेल से इस तरह की बात करना भी जेल के नियमों के खिलाफ है। जेल के नियम के अनुसार केवल निजी मामलों में ही बाहर अपने करीबियों को पत्र लिखा जा सकता है। आतिशी को झंडा फहराने की इजाज़त ना मिलने पर पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एलजी पर हमला किया है। उन्होंने कहा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वतंत्रता दिवस के ऐसे मौके पर भी राजनीति की जा रही है। मैं अखबारों में पढ़ता रहता हूँ कि जब ठग सुकेश पत्र लिखता है तो तिहाड़ के अधिकारी उसे एलजी को सौंप देते हैं और एलजी उस पर कार्यवाही करते हैं, लेकिन जब दिल्ली के सीएम पत्र लिखते हैं तो एलजी तिहाड़ के अधिकारियों को उन्हें पत्र भेजने से रोकते हैं। स्वतंत्रता दिवस इतना महान अवसर है, इसके बारे में अगर दिल्ली के सीएम ने चिट्ठी लिखी है तो एलजी ऑफिस को डीजी ऑफिस को फ़ोन करना चाहिए था और पूछना चाहिए था कि सीएम ने कोई चिट्ठी लिखी है क्या। लेकिन इन्हें स्वतंत्रता दिवस से क्या लेना देना, देश से क्या लेना देना, इन्हें सिर्फ सुकेश जैसे लोगों से ही प्रेम है। चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री या मंत्री को ही झंडा फहराना चाहिए, मुझे नहीं लगता था कि इसमें कोई दिक्कत है, लेकिन मौजूदा उपराज्यपाल और उनके मुखिया से लोकतंत्र और संविधान की अपेक्षा करना बेमानी है। इनसे केवल तानाशाही की अपेक्षा की जा सकती है और वो काम वो कर रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पिछले हफ्ते एलजी वीके सक्सेना को पत्र लिखकर कहा था कि वो चाहते हैं कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली सरकार में एजुकेशन मंत्री आतिशी को झंडे फहराने की इजाज़त दी जाए, जिस पर एलजी ने कहा कि उनके पास कोई लेटर नहीं पहुँचा है। साथ ही जेल प्रशासन ने कहा कि एलजी को केजरीवाल का स्वतंत्रता दिवस को लेकर लेटर लिखना उन्हें दिए गए सुविधाओं का अपमान करने जैसा है। जिसके बाद सोमवार को आप नेता गोपाल राय ने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को लेटर लिखकर कहा था कि उनकी सीएम केजरीवाल से मीटिंग हुई है और वह चाहते हैं कि आतिशी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहराए, जिस पर अब विभाग ने जवाब दिया है।